हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ और हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार रश्मिका मंदाना के बारे में। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम समय में अपनी टैलेंट और क्यूटनेस से पूरे देश को कायल बना लिया था। कर्नाटक का क्रश नाम से फेमस रश्मिका मंदाना को अब नेशनल क्रश भी बोले जाने लगा है। रश्मिका मंदाना जितना क्यूट है उतना ही क्यूट उनका लव स्टोरी है। आज इस वीडियो में रश्मिका से जुड़ी वो बातें बताएंगे जो शायद ही आप जानते होंगे, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें। रश्मिका मंदाना एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय फिल्मों में दिखाई देती हैं। उन्होंने 2016 की सफल व्यावसायिक फिल्म कीक्रिट पार्टी में अभिनय शुरू किया था। बेंगलुरु टाइम्स ने 30 मोस्ट इजराइल वुमन ऑफ 2016 की सूची में इनका पहला स्थान रखा है। ये बहुत कम अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्हें बॉलीवुड के कम समय में 100 करोड़ क्लब में प्रवेश किया है। रश्मिका को बचपन से ही एक्टिंग और मॉडलिंग का बहुत शौक था, जिसके चलते वो अपने कॉलेज दिनों में कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग भी किया करती थी, और उस समय रश्मिका ने कई सारे विज्ञापनों में भी काम किया था। हम बात करें रश्मिका के फिल्मी कैरियर की, तो रश्मिका ने साल 2018 में चालो एक रोमांटिक ड्रामे के साथ अपना तेलुगु फिल्म में डेब्यू किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी, और उसी वर्ष में उसने रोम कॉम फिल्म की गीता गोविंदम में अभिनय किया था। यह फिल्म तेलुगु सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक लाभ कमाने वाले में से एक बन गई थी, जिसने रश्मिका मंदाना को बहुत बड़ी पहचान दिलाई थी। उनकी तीसरी तेलुगु उद्यम मल्टी स्टार बड़े बजट की फिल्म थी, जिसका नाम था देवदास, जो भारतीय बॉक्स ऑफिस पर औसत हिट रही। इसने अपनी पहले हिट फिल्म के बाद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एक ही वर्ष में लगातार तीसरी हिट फिल्में हासिल की थी। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में हिट हिट पर रही खुद को तेलुगु सिनेमा की सफल अभिनेत्रियों में से एक में शुमार हो गई थी। रश्मिका मंदाना की व्यावसायिक रूप से सफल फिल्में हैं जैसे कैकरिट पार्टी, अंजनी पुत्रा, चमक, चालो, गीता गोविंदन और याजमान में अभिनय किया है। फिल्म की बैंक टू बैंक सफलता से उन्हें दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे अधिक मांग वाली हीरोइन बना दिया था। रश्मिका मंदाना अपनी डेब्यू फिल्म को लेकर एक इंटरव्यू में बहुत ही दिलचस्प बातें बताई है। रश्मिका ने बताया कि क्रिकेट पार्टी के लिए डायरेक्टर और फिल्म यूनिट एक यंग आर्टिस्ट चाहते थे। मुझे प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया था, लेकिन मुझे लगा कि एक प्रैंक कॉल है, तो मैंने कहा मुझे भी किसी फिल्म में दिलचस्पी नहीं है, सर कृपया फोन रखें, और फिर मेरे नंबर पे ब्लॉक कर दिया। रश्मिका ने कहा कि नंबर ब्लॉक करने के बाद फिल्म निर्माताओं ने उनसे दोस्त के माध्यम से और अंत में एक शिक्षक के जरिए संपर्क करने की कोशिश की थी। रश्मिका मंदाना को एक ब्यूटी पेजेंट जीतने के बाद फिल्म में लीड रोल के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिया था क्योंकि उन्हें लगा था कि एक प्रैंक कॉल है। साल 2016 में रश्मिका ने क्रिकेट पार्टी में अभिनय की शुरुआत की थी, जो साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्मों में से एक बन गई थी। उन्होंने भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ शुरुआत के लिए SIIMA अवार्ड भी जीता था। साल 2017 में रश्मिका को दो कन्नड़ फिल्म अंजनी पुत्र और चमक में दिखाई दी थी। तब से उन्होंने कई तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम किया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछले साल रश्मिका ने अमिताभ बच्चन और नीना गुप्ता स्टार गुड बॉय से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की, जो फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद वे सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ मिशन मजनू में भी दिखाई देगी। फिलहाल वे आलू अर्जुन के पुष्पा 2 में बिजी है, जिसका लाखों दर्शकों को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रश्मिका मंदाना पुष्पा फिल्म के बाद साउथ के बाद पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी जाना पहचाना नाम हो गया है। वो पूरे देश के दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। अब उनकी हर फिल्म दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहती है। दोस्तों, हम बात करें रश्मिका की लव लाइफ अफेयर की, तो रश्मिका मंदाना का नाम साउथ स्टार रक्षित शेट्टी संग जुड़ चुका है। हालांकि बाद में कपल ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया था। रक्षित शेट्टी के बाद विजय देवरकोंडा से उनकी काफी नजदीकियां बढ़ गई है। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना साउथ के जाने माने सुपरस्टार हैं। दोनों ही साथ अपनी कैरियर की पिंक समय में शादी करने का प्लान कर रहे हैं। दोनों ने ही हिंदी फिल्मों में काम किया है। रश्मिका मंदाना को हाल ही में फिल्म एनिमल में देखा गया था। अफवाहों की माने तो कपल जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। बात करें रश्मिका मंदाना की कमाई की, तो आज रश्मिका मंदाना साउथ की महंगी अभिनेत्रियों में से एक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रश्मिका मंदाना हर फिल्म के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं।